सो है व्हाट्सअप गाइस, दिस इज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इमरान एडिट YT फैमिली के अंदर 500 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 500 के लोग जुड़ चुका है इस चैनल में। ऐसे ही सपोर्ट एंड प्यार करते रहो। एंड गाइस, मेरा चैनल पे कुछ दिन से व्यूज भी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, सब्सक्राइबर नंबर ऐड हो गया लेकिन व्यूज बहुत ही ज़्यादा कम आता है। सो आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट एंड प्यार दिखाना है, यानी कि ये वाला वीडियो को फुल वॉच करना है। सो ये वाला वीडियो को फुल वॉच करो, ठीक है। सो गाइस, आज के इस वाला वीडियो का अंदर मैं आप लोगों को पिक्सार ऐप के यूज करके कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ, डुअल फोटो एडिटिंग। सो ये वाला फोटो एडिटिंग आज हम लोग बहुत इजी स्टेप के अंदर आप लोगों को सिखाने वाले हैं। सो ये वाला वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनने वाला है। सो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप लोग नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही बहुत सारा वीडियो देखने के लिए, और मुझे इंस्टा पर भी जाके फॉलो कर लेना। इंस्टा का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। सो चलिए वीडियो के ऐप पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है पिक्सार्ट ऐप का अंदर। तो मैं यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड को पिक्सार्ट ऐप का अंदर ओपन कर लेता हूँ, ओके। सो बैकग्राउंड ऐप देख सकते हैं पिक्सार्ट ऐप के अंदर ओपन हो चुका है। सो इसी टाइप से आप लोगों को बैकग्राउंड को पिक्सार्ट ऐप के अंदर ओपन कर लेना है। आने वाला बैकग्राउंड का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड आप लोग ये वाला बैकग्राउंड को पिक्सार्ट ऐप से क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड हम लोग ओपन कर लिया। अब हम लोग ऐड फोटो के जाके हमारा मॉडल यानी कि हमारा फोटो को ऐड कर लेंगे। सो ये वाला फोटो को हम लोग ऐड कर लेंगे, ओके। ये वाला फोटो को ऐड करने के बाद आप लोग को ये वाला फोटो का बैकग्राउंड की रिलीज कर लेना है, यानी कि आप लोगों का फोटो का बैकग्राउंड को रिलीज कर लेना है। सो बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा कटआउट टूल, इसके अंदर क्लिक करके आप लोग बैकग्राउंड को सिंपली इरेज कर लेना है। सो हमारे पास पिक्सार्ट का गोल वर्सन है। सो हम लोग बैकग्राउंड बीजी के अंदर क्लिक करके फोटो का बैकग्राउंड को इरेज कर लेंगे, ठीक है। एंड अगर आप लोग चाहते हो पिक्सार्ट का गोल वर्सन डाउनलोड करना, तो आप लोग गूगल पे जाकर सर्च कर लेना पिक्सार्ट गोल वर्सन APK। सो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे देख सकते हैं वाला फोटो का बैकग्राउंड इरेज हो चुका है बहुत ही इजी स्टेप का अंदर। सो इसी टाइप से आप लोग को बैकग्राउंड को इरेज कर लेना है। बैकग्राउंड को इरेज करने के बाद आप लोग को इस टाइप से इसको बड़ा करना है, ठीक है। इसी टाइप से इसको बड़ा करने के बाद आप लोग को इस वाला टूल के अंदर क्लिक करना है एंड इसका एक डुप्लीकेट बनाना है ये वाला मॉडल का। तो मैं यहाँ पे इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ एंड इसको आप लोग यहाँ पे रखना है, ठीक है। एंड इसको आप लोग को यहाँ पे रखना है। फिर से आप लोग वो वाला मॉडल को सिलेक्ट कर लेना, बड़ा वाला। ये वाला मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को इरेजर टूल मिल जाएगा, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करना है एंड इरेजर को सिलेक्ट करके इसका हार्डनेस को बहुत ही ज़्यादा कम कर लेना है, यानी कि -1 रखना है सिर्फ, ठीक है। इसका ओपेसिटी को आप लोग को हल्का सा कमा लेना है, साइज को फोटो के हिसाब से रख लेना है एंड कुछ इस टाइप से आप लोग इरेज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे देख सकती इस टाइप से इरेज कर लूँगा, ठीक है। इसी टाइप से इरेज करने के बाद आप लोगों को इसको सही तरीके से एडजस्टमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे इसको परफेक्ट तरीके से एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। सो इसी टाइप से आप लोगों को एडजस्टमेंट कर लेना है। आप लोग को ए वाला मॉडल को भी परफेक्ट तरीके से एडजस्टमेंट करना है एंड फिर से आप लोग को ए वाला मॉडल का आप लोग को एक डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है। डुप्लीकेट बनाने के बाद आप लोग इसको नीचे के साइड रखना है, यानी कि इसका ग्लास का टाइप एक शैडो बनाना है एंड रूटेट मिल जाएगा, रूटेट पे क्लिक कर लेना है। नए वाला ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट कर लेना है एंड कुछ इस टाइप से आप लोग इसको सेट कर लेना है एंड इसका ओपेसिटी को आप लोग को हल्का सा कमा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फोटो का मैं यहाँ पे इसका ओपेसिटी को कमा लिया। अब आप लोग को बड़ा वाला मॉडल का लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट कर लिया एंड इसका ओपेसिटी को हल्का सा हम लोग कम कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से एंड कर देंगे राइट पे क्लिक। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डुअल फोटो एडिटिंग हो चुका है कंप्लीट एंड ये वाला फोटो भी कितने ज़्यादा बढ़िया लुक दे रहा है। सो इसी टाइप से आप लोगों को फोटो को एडिटिंग कर लेना है। अब आप लोगों को ऐड फोटो के अंदर जाके एक टेक्स्ट PNG को ऐड कर लेना है। सो ये वाला टेक्स्ट PNG को आप लोग को ऐड कर लेना है, जिसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप लोग को यहाँ पे रखना है, टर्न पे क्लिक, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते फोटो और भी ज़्यादा मस्त दिख रहा है। अब आप लोग ये वाला फोटो के अंदर थोड़ा सा विग्नेट को ऐड कर ले, विग्नेट आप लोग को मिल जाएगा इफेक्ट टूल के अंदर एंड इसके अंदर से आप लोग इफेक्ट टूल को सिलेक्ट कर लेना एंड सबसे लास्ट को जाके आप लोग को मिल जाएगा विग्नेट, इसके ऊपर आप लोग को डबल टैप करना है। इसका फेड को आप लोग को 50 के राउंड रख लेना है, तो मैं यहाँ पे 50 रख लेता हूँ एंड इसका साइज को फोटो के हिसाब से रख के आप लोगों को कुछ डन पे क्लिक कर लेना है। सो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डुअल फोटो एडिटिंग हो चुका है कम्प्लीट ब्लैक टाइप का। सो ये वाला फोटो एडिटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ईजी था। सो आप लोग को थोड़ा सा टाइम देके ध्यान से अच्छे से करना है, ठीक है। सो आप लोग को दिखाने के लिए मैं जल्दीबाजी में कर लिया लेकिन यहाँ पे अच्छा नहीं हुआ, फिर भी आप लोग अगर अच्छे तरीके से करोगे सो आप लोग का परफेक्ट तरीके से होगा फोटो एडिटिंग, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा फोटो एडिटिंग हो चुका कंप्लीट। फोटो को HD क्वालिटी के अंदर सेव करने के लिए आप लोग को जाना है ड्रॉ टूल के अंदर
एंड इसके अंदर से आप लोग को 3 डॉट का आइकन पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है गैलरी के अंदर, ठीक है। सेव इमेज पर क्लिक करके यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को सेव पीएनजी, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लेना है एंड आप लोग सेव पर क्लिक कर लेना है एंड ये वाला फोटो आप लोग का HD क्वालिटी के अंदर गैलरी के अंदर सेव हो चुका है। सो गाइस ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बता देना एंड आज का वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।